अब बताओ वो जरूरी बात क्या है? वो जरूरी बात तुम्हारी प्रेम कहानी के बारे में है या दुनिया की राजनीति के बारे में या तुम्हारी खूबसूरती के बारे में है जिसके पीछे मैं बिल्कुल पागल हो गया हूँ? हमारी शादी के बारे में। देखो, शादी के बारे में बात करने का ना तो ये वक्त है ना ही मेरा मूड है। सुरेश, मेरे घर वालों को हमारे प्यार की बात मालूम हो गई है। मालूम हो गई? हाँ, मम्मी तो गुस्से से आग बबूला हो गई और डैडी को बहुत दुख हुआ। मैंने तो उनसे साफ साफ कह दिया कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और तुम मुझसे शादी करने वाले हो। अरे, शादी की बात इतनी जल्दी कहने की क्या जरूरत थी मालती? अभी हम शादी कैसे कर सकते हैं? एक ना एक दिन तो हम शादी करने ही वाले हैं ना, अभी कल ही तो बुराई क्या है? मालती, सबसे पहले मुझे अपनी एजुकेशन खत्म करनी है, ये गए 3 साल। उसके बाद ऐसे डॉक्टर मुझे प्रैक्टिस जमानी है, ये गए और 3-4 साल। तब के ही जाके शादी के बारे में सोचने का टाइम मिलेगा। हाँ, तो यही चल के डैडी से कह दो। 6-7 साल क्या है, मैं इंतजार कर लूंगी। मालती, पार्क में 10 मिनट तक इंतजार करना और शादी के लिए 6-7 साल इंतजार करना तुम एक जैसा समझती हो? हो सकता है मेरा ही ख्याल बदल जाए, हो सकता है तब तुम ही मुझसे शादी करना ना चाहो। देखो, तुम एक लड़की हो, इतने अरसे तक इंतजार करने के लिए शायद तुम्हारे डैडी ना माने। इसलिए? इसलिए तुम्हारे डैडी जिस लड़के से कहे उससे शादी कर लो। प्रेम तुमसे करो, शादी किसी और से? प्रेम और शादी दो अलग अलग चीजें हैं। मेरे लिए शादी प्रेम का अंजाम है। अपना अपना ख्याल है, लेकिन मेरे लिए प्रेम एक सुनहरा सपना है जिसे याद करके हम कभी कभी मजा ले लेते हैं, और शादी एक कड़वी सच्चाई है जो थोड़े दिन के बाद बोरिंग हो जाती है। फिर मैं शादीवादी के चक्कर में क्यों पड़ूं? You cheat! तुम्हें मुझसे कभी प्रेम था ही नहीं, तुम्हें सिर्फ मेरा बदला चाहिए था। तुम जैसे धोखेबाज इंसान को जान से मार डालना चाहिए। मालती, ये करो तुम। मालती,